सबसे सस्ती और सबसे ताकतवर खाद होती है यह। इसे देखिए डालते ही चमत्कार हो गया। अकेला सिर्फ यही पौधा देखिए सभी पौधों पे भारी है। एक एक जगह देखिए, एक एक जगह दो दो तीन तीन फूल आते हैं इसमें। बहुत अच्छा ये फ्लावरिंग करता है। और जब इसको थोड़ी सी खाद मिल गई और मिट्टी जब खाद युक्त बनाएंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन यह एक खाद इसके लिए वरदान साबित हो गया। अगर अभी तक नहीं डाले हैं तो फटाफट से इसको घोल करके जरूर डाल दीजिए। आप डालेंगे और फिर देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपको इतने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन डालने का जो जैसे मैं बनाई हूँ उसी तरीके से आपको डालना होगा। तो यदि यह आपके घर में खाद नहीं है तो इसे जहाँ पशुओं का चारा वगैरह मिलता है वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। देखिए हाइट इसकी कितनी ज़्यादा हो गई है कि लग नहीं रहा है कि यह पौधा किसी पार्ट में लगा हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल माय ऑर्गेनिक ग्रीन गार्डन में। कैसे हैं फ्रेंड्स? करीब 15 दिन पहले मैं इसका लिक्विड फर्टिलाइजर बना करके इस गुड़हल के प्लांट में डाली थी, जो कि आप लोगों से वीडियो शेयर कर चुकी हूँ चैनल पर। और इसका इतना अच्छा रिजल्ट मिला जो कि आपको खुद दिख रहा होगा। उस समय भी फूल आ रहे थे लेकिन इस समय फूलों की संख्या आप देख लीजिए कितना ज़्यादा फ्लावरिंग यह पौधा किया है। तो मैं हार्वेस्टिंग करने जा रही थी माता रानी का श्रृंगार करने के लिए, तो मैं सोची आप लोगों को भी दिखा दूँ कि इसके कितने फायदे हैं, इसे हमें ज़रूर अपने पौधे में डालना चाहिए। यह क्या चीज़ है, किस चीज़ के साथ डाले हैं, कितनी मात्रा रखे हैं, कितने समय में हमें देना चाहिए, यह सब हम उस वीडियो में डिटेल में बताए हुए हैं। बट आज हम आपको थोड़ी सी इसकी फिर से इन्फॉर्मेशन दे देते हैं ताकि यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो फिर से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। देखिए तितली कितना अच्छे से इसका रसपान कर रही है। तो जैविक चीज़ें यदि आप डालेंगे अपने पौधों पर तो तितली भौरे सारे पोलिनेटर कीड़े आपके गार्डन में आएंगे और अधिक जो है फलों के लिए भी बहुत अच्छा फायदेमंद होगा। तो मैं इसके बारे में आपको बता रही थी कि यह क्या चीज़ है। यह है सरसों की खली और इतना एक टुकड़ा इतने बड़े पौधे के लिए पर्याप्त है। क्योंकि यह हमारा पौधा थोड़ा बड़ा है, 3 साल पुराना है, तो मैं इसमें इतना डाल रही हूँ। यदि आपका पौधा छोटा है, 1-2 साल का है या उसमें ज़्यादा ब्रांच नहीं है तो भी आप इसका प्रयोग करिए। लेकिन बहुत अधिक मात्रा में आपको इसका प्रयोग नहीं करना है, इसका बिल्कुल पतला सा घोल बना करके डालना है। मैं 15 दिन पहले डाल चुकी हूँ इसलिए अभी मैं इसको नहीं दूंगी पौधे को, लेकिन 1 से 1.5 महीने के अंदर फिर मैं इस चीज़ का फर्टिलाइजर बना करके इसको दूंगी। लेकिन इसे आपको अकेले बिल्कुल भी नहीं देना है, इसके साथ आप या तो नीम की खली या तो बेकिंग सोडा या हल्दी पाउडर या फिर राख, कोई एक फंगीसाइड मिला करके ही आप दीजिए, तभी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और आप बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे कि आपके गमले में किसी भी प्रकार का कोई फंगस नहीं लगेगा। क्योंकि इस चीज़ से फंगस भी लग जाता है पौधे में, जो कि पौधे की मिट्टी को ख़राब कर देता है। तमाम प्रकार के मिली बग्स का भी अटैक हो जाता है पौधों पर और कई प्रकार के कीड़े चींटियां वगैरह भी आती हैं। तो कभी भी सरसों की खली को आपको अकेले नहीं डालना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और बिल्कुल पतला सा लिक्विड बना करके आपको डालना है ताकि वह आर पार बिल्कुल दिखे। आप अगर आपको दिक्कत होगा तो आप चैनल पे इसका वीडियो जा करके चेक कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है। और मैं इसका उसका लिंक इसमें दे दूंगी, इसके वीडियो में डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। गारंटी के साथ कहती हूँ कि आपका पौधा
सैकड़ों फूल देगा जैसा कि आपको दिख रहा है। यह पौधा पूरा फूलों से भरा हुआ है, कलियों से भरा हुआ है। मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा है कि एक रिजेक्ट छोटे से टब में लगा हुआ यह पौधा इतना ज़्यादा फ्लावरिंग कैसे कर रहा है। तो मैं समय समय पर जैविक चीज़ों का ही इस्तेमाल करती हूँ अपने पौधों पर और रिजल्ट काफ़ी अच्छे मिलते हैं और पौधे भी काफ़ी स्वस्थ और खूबसूरत दिखते हैं और हमेशा कलियों से और फूलों से भरे रहते हैं। एक दिन की बात नहीं है, इसमें देख सकते हैं आप, और कल कलियां खिल जाएंगी और देखिए बहुत छोटी बड़ी हर प्रकार की कली आपको दिख रही होगी। देखिए यह छोटी है, यह बड़ी है, यह उससे बड़ी है। तो आप इसका प्रयोग करिए। इसके साथ और कई चीज़ें मैं जो है डालती रहती हूँ चैनल पे, आप चैनल पे विजिट करके सारी जानकारी ले सकते हैं। पूरी तरीके से जैविक आपको गार्डनिंग अगर आप करेंगे तो आपके पौधे बिल्कुल हमारे पौधे जैसे स्वस्थ और खूबसूरत दिखेंगे। और आप देख सकते हैं हमारे गार्डन के सभी पौधे लगते ही नहीं हैं कि यह सब गमले या रिजेक्ट बर्तनों में लगे हुए हैं और तितलियां वगैरह तो खूब आती हैं छत पे। तो इसी तरह से देखिए मैं कनेर में भी डाली थी, हर चीज़ में मैं इसका प्रयोग समय समय पे करती हूँ। लेकिन किसके साथ कैसे करना है यह आपको, हर पौधे अलग किस्म के होते हैं, हर पौधों का केयर अलग तरीके से किया जाता है। तो गुड़हल का प्रयोग, गुड़हल के पौधे पर मैं इसका प्रयोग बेकिंग सोडा या फिर हल्दी के साथ करती हूँ। लेकिन मात्रा आप अब जो जैसे बनाई हूँ आप चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी आज की ये जानकारी। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप जरूर इसका प्रयोग अपने हिबिस्कस जैसे प्लांट में करिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।